यदि इस पूरे प्रकरण का सीबीआई जांच हो, इतना बड़ा अवैध खनन चल रहा है, इतना राजस्व का हानि हो रहा है, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर सरकार संज्ञान में नहीं लेता है तो समझे मिली भगत है, पूरा संथाल परगना खोखला करके खा गया सफेद पोस्ट। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा, काठीकुंड और गोपी कांदर में धड़ल्ले से अवैध कोयला जारी। शिकारीपाड़ा के बादलपाड़ा, लुटिया पहाड़ी, कल्याणपुर सहित विभिन्न जगह पर कोयला का व्यापार चल रहा है। आज हमारे बीच हिंदू क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश गंधर्व ने सीधा निशाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के अब्दुल सलाम अंसारी के ऊपर साधा। सलाम मुक्ति मोर्चा के दुमका जिला का मीडिया प्रभारी है और इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। हर दिन हर कोयला ट्रक से 95,000 और छोटे गाड़ी से 5,000 करके लूट लूट कर 50 लाख की वसूली की जा रही है, लेकिन दुमका प्रशासन सरकार के डर से सफेद चादर लेकर सो रहे हैं और प्रशासन इसी कारण सब देख कर के भी अनदेखा कर रहा है, ऐसा प्रकाश गांधर्व का कहना है। और इसी तरह झारखंड सरकार का खजाना लूट लूट कर करोड़ों के मालिक बन गए हैं, इसी कारण प्रकाश जी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सरकार का खजाना और न लूट सके। बीते 3 महीनों में कोयला तस्कर ज्यादा सक्रिय हैं और कोयला तस्करी ज्यादा चल रही है। सिर्फ कोयला ही नहीं, इनका कहना है कि सलाम का चेन बांग्लादेश तक है। सलाम बांग्लादेश गो तस्कर भी कर रहा है। अगर झारखंड सरकार सीबीआई जांच नहीं करती है तो प्रकाश का कहना है कि वर्तमान सरकार भी इस लूट में मिली हुई है। हमारे बीच हिंदू क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रकाश गंधर्व जी है। सर, पहला बात, आपके द्वारा एक समाचार में एक आया है खबर, अवैध कोयला कोई सत्ता दल के दायित्व में रहने वाला नेता चला रहा है, क्या बात है इस पर सर? हमारी बात इसमें साफ है, शिकारीपाड़ा, गोपी कांदर, काठी कुंड में लगभग 250 अवैध कोयला खदान अभी चल रहा है, जिसका नेतृत्व सफेद पोस्ट के संरक्षण में अब्दुल सलाम अंसारी जी करवा रहे हैं। वो अभी वर्तमान में जिला के मीडिया प्रभारी है, ये मैं, और अभी 250 खदान इसे पूरा टीम बना के करवा रहा है। डेली 30 से 40 ट्रक कोयला बाहर भेजा जाता है, बंगाल, बिहार, जहां भी हो भेजा जाता है। प्रत्येक गाड़ी से 95,000 रुपया ट्रक में लेता है और 5,000 पिकअप वन में। यह धंधा 3 महीना 4 महीना से लगातार चल रहा है, आगे तो 10-20-50 चलता था। अभी पत्थर का थोड़ा इधर जो अवैध खनन में पकड़ाया है तो इसको अभी इधर से टर्नअप होके सीधे चला गया कोयला में अवैध विस्फोट कर रहा है। जिस तरह पत्थर में विस्फोट करके पत्थर निकाला जा रहा था, अभी उसी तरह करके विस्फोट करके कोयला का अवैध कर रहा है। यहाँ करोड़ों का डेली 50 लाख का उगाही कर रहा है, ये सब अब्दुल सलाम अंसारी के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है। पुलिस यहाँ मुख्य दर्शक है, सफेद पोश के आगे पुलिस का कुछ नहीं चल रहा है। सर, आप क्या, आपके पास कोई प्रूफ है क्या, प्रमाण क्या है इसका? सीबीआई जांच हो, हम जान रहे हैं, समय आएगा तो प्रमाण भी देंगे, लेकिन सीबीआई जांच का मांग करते हैं। 250 अवैध खदान है जिसमें 22 खदान का अब्दुल सलाम अंसारी जी करवा रहे हैं और सब है, सबका जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा उससे उससे नाम का खुलासा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास हमारे चैनल के माध्यम से ये जो खुलासा और एक खुलासा है कि इसका काम है गो तस्करी, यहां से बांग्लादेश तक गो पासिंग का काम करता है। ये कौन करता है सर? ये अब्दुल सलाम अंसारी का नेतृत्व में बांग्लादेश से उसका साठगांठ है, गो तस्करी का काम कर रहे हैं, पासिंग का कभी काम कर रहे हैं। तो कौन नहीं जानता है, दिन भर यहां से दुमका से निकलता है, शिकारीपाड़ा बैठता है, दिन भर पासिंग का काम करवा के शाम में घर आता है। आप लोग कभी भी जाकर देख सकते हैं, दल का आदमी है, सफेदपोश का संरक्षण है, पुलिस से क्या डर है? दुमका जिला तो पुलिस मुख्य दर्शक है, बांग्लादेश तक गो पासिंग का काम करता है। ये कौन करता है सर? ये अब्दुल सलाम अंसारी का नेतृत्व में बांग्लादेश से उसका साठगांठ है, गो तस्करी का काम कर रहे हैं, पासिंग का कभी काम कर रहे हैं। तो कौन नहीं जानता है, दिन भर यहां
चुमका से निकलता है शिकारी पाड़ा में बैठता है, दिन भर पासिंग का काम करवा के शाम में घर आता है। आप लोग कभी भी जाकर देख सकते हैं, दल का आदमी है, सफेद पोश का संरक्षण है, पुलिस से क्या डर है? दुमका जिला तो पुलिस मुख्य दर्शक है, पुलिस ही लड़ता है, जो सफेद पोश आदेश देता है वही काम करता है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? और अब्दुल सलाम अंसारी का 5 साल के 3 साल के कार्यकाल में देखिए उसका संपत्ति कई गुना अधिक हो गया, अरबों में। इसका भी मैं सीबीआई जांच का मांग कराना चाहता हूं, लेकिन इस पूरे प्रकरण का सीबीआई जांच हो। इतना बड़ा अवैध खनन चल रहा है, इतना राजस्व का हानि हो रहा है, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर सरकार संज्ञान में नहीं लेता है तो समझे मिली भगत है, पूरा संथाल परगना खोखला करके खा गया सफेदपोश। आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ प्रकाश चंद्र गंधर, मैं हिंदू क्रांति सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।